वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से क्या यूजेस होते हैं इसके, एंड इसके लाइसेंस के बारे में और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट कन्वेंशन और डेज के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिकली आईपीआर होता क्या है। आईपीआर बेसिकली एक प्रॉपर्टी का ही टाइप है और सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी को बताती हूँ कि प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है। प्रॉपर्टी हम को जनरली हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, और टेंजिबल को फर्दर हम लोगों ने मूवेबल एंड इमूवेबल में डिवाइड किया है। मूवेबल का मतलब जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र हम आसानी से कर सकते हैं, इट मीन्स हमारी ज्वेलरी हो गई या हमारे मनी हो गए, तो वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी प्रकार इमूवेबल की बात करें तो जो भी इजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इट मीन्स लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, आपके फार्म हो गए, तो ये आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर हम बात करें टेंजिबल की, तो टेंजिबल में ही आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आती हैं, जो भी आपने अपने इंटेलेक्ट यानी कि अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से अर्जित की है, तो वो हमारे इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी होती है। और जो जिस पे हम अपना रजिस्टर कर देते हैं राइट, तो वो हमारा एक तरह से हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है। और इसमें भी आपका इंडस्ट्रियल कॉपी राइट होता है, साथ ही साथ कॉपी राइट रिलेटेड अलग टर्म्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी, वो हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली एक प्रकार का राइट होता है किसी भी क्रिएटर का, जिसने भी कोई भी वस्तु या कोई भी क्रिएशन किया, इट मीन्स वो लिटरेचर हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकता है, तो किसी भी क्रिएटिविटी को उसने क्रिएट किया है, वो हमारा एक तरह से हम कहते क्रिएटर होता है उस पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। और उसके कुछ एक्सक्लूसिव राइट होते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो उसने अपने इंटेलेक्ट से बनाई है। और जो प्रॉपर्टी में जो उसके राइट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सर्टन टाइम पीरियड के अंतर होते हैं। और कॉपीराइट होल्डर इज जनरली द क्रिएटर ऑफ द वर्क, दिस वेरी कंट्री टू कंट्री। इट मीन्स जो राइट होते हैं कॉपीराइट होल्डर के, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते रहते हैं। और कॉपीराइट का जो सिंबल होता है इन सर्कल सी होता है, और इसे सबसे पहले यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन में इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 में। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉपीराइट के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने बात की कि कोई भी चीज़ हम अपने इंटेलेक्ट से बनाते हैं या क्रिएट करते हैं, तो वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और जब हम उस पर अपना राइट रजिस्टर कर देते हैं तो वो हमारा कॉपीराइट कहलाता है। तो उसके एग्जांपल हैं लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, ड्रामेटिक वर्क, ग्राफिक्स वर्क या फिर फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, ये सारे हमारे ग्राफिक वर्क के अंतर्गत आते हैं। मोशन पिक्चर्स हो गई, ऑडियो विजुअल वर्क्स हो गए, टीवी प्रोग्राम्स हो गया, आर्किटेक्चरल एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, सॉफ्टवेयर्स, डेटाबेसेस और साउंड रिकॉर्डिंग्स, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं कॉपीराइट के। और यहाँ पे एक बात कही गई है नोट में कि जो भी चीज़ें आप, अगर हम बात करें आइडिया की या फिर कोई भी थॉट की, तो वो हमारा कॉपीराइट के अंतर्गत जब तक नहीं आता, जब तक आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते। इट मीन्स अगर आपने कोई कोई पोएम या कोई सॉन्ग या कोई भी कहानी सोची है, तो वो अगर जब तक आप उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी फॉर्म में, इट मीन्स ऑडियो, वीडियो या फिर लिटरेरी फॉर्म में, तब तक उस पर आपका कॉपीराइट अधिकार नहीं होता। तो ये एग्जांपल है कॉपीराइट के। एंड इसमें ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है विपो, और इसका अक्सर क्वेश्चन बनता है कि ये इसकी कन्वेंशन कब हुई थी और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कि इस्टेब्लिश किया गया था विपो कन्वेंशन के द्वारा 1967 में, और एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। बेसिकली इसका जो रोल है वो है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे प्रोटेक्ट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉपीराइट के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली इसे हमने बेसिकली इसे पांच भागों में डिवाइड किया गया है, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। बेसिकली ये आईपीआर के ही टाइप्स हैं और इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पेटेंट की बात कर लेते हैं। तो पेटेंट में पेटेंट का मतलब इन जनरल टर्म में, जैसे कि कोई भी इन्वेंशन है या फिर कोई भी डिस्कवरी, नई डिस्कवरी या कोई भी प्रोडक्ट हमें नया बनाया है, तो वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं पेटेंट कहलाता है। और पेटेंट जैसे हमने कोई मान लिया कि कोविड वैक्सीन बनाई भारत ने, तो उस क्योंकि उसको बनाने में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, बहुत सारे रिसर्चेज हुई होंगी और बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए होंगे, तो उस पर हम पेटेंट करवा लेते हैं, जिससे कि उसमें जो भी खर्च हुआ है उस प्रोडक्ट को सेल करके या उसको हम लोग मतलब किसी को प्रोवाइड करा के, हम उसको उसके थ्रू बेनिफिट
मतलब ले सके। तो इसलिए हम लोग पेटेंट करवाते हैं, जिससे कि कोई भी चीज़ हमने इन्वेंट की है तो उसके थ्रू जो भी हमने मतलब सेक्रीफाइसेस किए हैं या जो भी हमने एक्सपेंसेस खर्च किए हैं उसके लिए, तो उसके थ्रू हम उसका अर्निंग कर सकें या कुछ बेनिफिट ले सकें, तो वो हम पेटेंट कहलाते हैं सारे के सारे। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, और जे एल बेयर ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो ये बहुत सारे आविष्कार जो है वो हमारे पेटेंट के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की। तो जैसे कि आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा होगा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बासमती चावल हो गया, या फिर आपके भदोही की कालीन हो गई, मथुरा के पेड़े हो गए, आगरा के पेठे हो गए, और बनारस की साड़ियाँ हो गई। तो ये सारे क्या हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होती है। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बेसिकली जो भी मतलब डिज़ाइन से, जैसा कि आपको मालूम चल रहा होगा कि जो भी किसी भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी पर्टिकुलर डिज़ाइन होती है। जैसे कि आप बात करें कोका कोला की बॉटल का, तो उसका स्पेसिफिक साइज होता है, या फिर लिम्का की बॉटल का, तो वो एक दूसरे से कभी मैच नहीं करती, सिमिलर नहीं होती, थोड़े से उसके यूनिक फीचर होते हैं और वो कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंतर्गत आता है, और इसको भी कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे रजिस्टर करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिज़ाइन को, जिससे कि उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन पे उसका अधिकार होता है और उसकी कंसेंट के बिना कोई दूसरी इंडस्ट्री या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज़ नहीं कर सकती। और अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। तो ट्रेडमार्क बेसिकली जैसे कि ट्रेडमार्क यानी बिजनेस के भी कोई मार्क, जैसे कि मान लिया यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, या कोई पर्टिकुलर जियो की कंपनी है या किसी भी शू की कंपनी है, तो वो अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मतलब लोगो डिज़ाइन करवाती है। तो वो जो लोगो होते हैं वो आपके ट्रेडमार्क कहलाते हैं, और इसको भी हमें रजिस्टर कराना पड़ता है, जिसके जिसके थ्रू कोई भी सेम उस मतलब लोगों को डिज़ाइन नहीं करवा सकती, और हमारा एक यूनिक ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। तो ये बेसिकली जो एग्जाम्पल हैं आपके इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के। तो मैंने अभी डिस्कस किया इसके बारे में जो इसके टाइप्स हैं। और कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है, जो लिटरेरी फॉर्म होते हैं, जो भी आपके कोई भी साहित्य है, पोएम है, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी चीज़ें आप रिटन फॉर्म में अवेलेबल है या ऑडियो वीडियो फॉर्म में है, लिटरेरी फॉर्म में, वो सारे आपके कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं, और इसका सिंबल इन सर्कल सी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एसोसिएटेड टर्म्स जो कि कॉपीराइट होल्डर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कॉपीराइट होल्डर, जैसे कि नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है, कॉपीराइट होल्डर यानी कि कॉपी जो राइट होल्डर मैंने कि जिसका मतलब बेसिकली जो क्रिएटर होता है उसे हम लोग कॉपीराइट होल्डर कहते हैं, जिसने भी कोई भी कोई भी वस्तु क्रिएट की है, वो लिटरेरी फॉर्म हो सकता है, कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो सकती है। तो वो उस पे वो व्यक्ति अगर उसे रजिस्टर करा लेता है तो वो कॉपीराइट होल्डर कहलाता है। और ये सिंगल कॉपीराइट होल्डर भी हो सकता है, या फिर उसने एक साथ कई लोगों ने मिलकर उस काम में पार्टिसिपेट किया है, तो वो आपका ज्वाइंट ऑथरशिप या फिर ज्वाइंट कॉपी राइट मतलब कहलाता है। यानी कि मेन जो होगा वो मेन कॉपीराइट होल्डर होगा, और जो कि साथ के होंगे वो कोनर ऑफ कॉपीराइट होल्डर कहलाएंगे। और इसके साथ ही कॉपी लेफ्ट भी एक दूसरा पॉइंट है इसमें। तो कॉपी लेफ्ट का मतलब ये होता है कि अ जनरल टेक्निक फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम फ्री इज कॉल्ड कॉपीराइट। मीन्स कॉपीराइट होल्डर ने उस पर अपना अधिकार खत्म कर दिया, और वो चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कोई प्रोग्राम हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ें जो फ्रीली अवेलेबल हैं, वो हमारा कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमने बात की कि उसके एसोसिएटेड टर्म्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव वर्क्स क्या होते हैं। बेसिकली डेरिवेटिव वर्क का एक्चुअल मीन यौगिक कार्य होते हैं, यानी कि जो हमने एक साथ बहुत सारे लोगों ने मिलजुल के कोई काम किया हो। तो इसमें बेसिकली जैसे सपोज दैट कोई नॉवेल होती है या कोई ड्रामा होता है, तो उस पर जब हम कोई मूवी बनाते हैं या किसी की बायोग्राफी मूवी बनाते हैं, तो इनडायरेक्टली वे में उस बायोग्राफी होल्डर का यानी कि जो भी जिसकी बायोग्राफी मूवी बन रही है उसकी कंसेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। उसकी कंसेंट के बिना हम उसकी बायोग्राफी पे कोई भी पिक्चर
या कोई ड्रामा नहीं बना सकते। तो इनडायरेक्टली वे में वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि वो भी डेरिवेटिव वर्क में शामिल हो रहा है। तो इस प्रकार के जो भी डेरिवेटिव, उस प्रकार की जो भी मतलब ड्रामा या मूवी, इस तरह की चीज़ें जो बनती हैं वो हमारा डेरिवेटिव वर्क कहलाती हैं, क्योंकि ये उस बायोग्राफी के होल्डर और साथ ही साथ जो लोगों ने उस बायोग्राफी को एक ड्रामा या किसी पर्टिकुलर मूवी में कन्वर्ट किया है, उन सबका मिला जुला कार्य होता है। तो ये हमारा डेरिवेटिव वर्क कहलाता है। अगर हम बात करें चंद्रकांता सीरियल था, तो चंद्रकांता एक ड्रामा था, उसके ऊपर एक सीरियल बनाया गया था, और उसमें जिसने चंद्रकांता ड्रामा लिखा था उसकी कंसेंट लेने के बाद ही उस ड्रामा को बनाया गया था प्ले फॉर्म में। तो ये डेरिवेटिव के वर्क के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं राइट एंड एक्सेप्शन। बेसिकली राइट एंड एक्सेप्शन के पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरह की राइट की बात की जा रही है। जो कॉपीराइट होल्डर है, अगर वो चाहे तो कुछ समय के लिए अपने कॉपीराइट के जो अधिकार होता है उसे किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे। तो उसकी ही यहाँ पे बात हो रही है कि जो वो राइट कॉपीराइट होल्डर किसी दूसरे पर्सन को कुछ समय या हमेशा के लिए प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस की बात की गई है कि वो एक्सेप्शन इकोनॉमिक राइट होते हैं और साथ ही साथ मॉरल राइट, यानी कि अगर उसने कॉपीराइट होल्डर ने किसी दूसरे को अधिकार दिया है उस पर्टिकुलर अपने क्रिएटिविटी को या अपने कंटेंट को कुछ समय के लिए, तो उसे राइट टू कॉपी, राइट टू ट्रांसलेट और फोटो कॉपी कर सकता है, बट उसे अपना एक्नॉलेजमेंट उसे देना पड़ेगा कि हाँ इस मतलब इस कॉपीराइट होल्डर का वो कंटेंट है। और साथ ही साथ उसके मॉरल राइट का भी ध्यान रखना होता है कि वो जो उसके मॉरल राइट को कहीं ना कहीं जो कॉपीराइट होल्डर है, ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर है, उसके मॉरल राइट को भी कहीं ना कहीं क्षति ना पहुँचे, और साथ ही साथ वो उसे एक्नॉलेज भी करेगा अगर वो कहीं भी यूज़ कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरह का उसके कृत कार्यों को डिग्रेडेशन या किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे। तो ये एक्सेप्शन के बारे में था, राइट एंड एक्सेप्शन। अब हम बात कर लेते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में बेसिकली एक तरह का हम कह सकते हैं कि कॉपीराइट के उल्लंघन की बात की जा रही है, और यहाँ पे बताया गया है दिस रेफर्स टू द इलीगल यूज ऑफ वर्क विदाउट द ओनर्स कंसेंट। इन्फ्रिंजमेंट कुड ऑल्सो रेफर टू द वायलेशन ऑफ मॉरल राइट। तो मॉरल राइट की बात अभी हमने पीछे बात की कि किसी प्रकार की उसके साहित्य के पीछे या किसी मूवी की मतलब निंदा करना या उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, वो हमारे मॉरल राइट कहलाते हैं। और डैमेज की बात करें तो किसी प्रकार की फिजिकल क्षति पहुंचाना, वो हमारे डैमेज के अंतर्गत आते हैं। और प्लेजरिज्म की बात करें तो जो साहित्य की चोरी होती है वो हमारी प्लेजरिज्म कहलाती है। सपोज दैट हमने कोई पेपर लेकर रिसर्च पेपर, और हम किसी भी लिटरेरी किसी दूसरे के रिसर्च पेपर का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं बिना उसके परमिशन के, तो ये भी वायलेशन ऑफ एक तरह से हम कह सकते हैं कि मॉरल राइट के अंदर नहीं आएगा, प्लेजरिज्म राइट के अंतर्गत आएगा। और इसमें भी बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे पनिशमेंट्स हैं, जिसके थ्रू अगर आप बिना किसी कंसेंट के, ऑथर के कंसेंट के, आप इनके कृतियों को यूज़ कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट का प्रावधान है। तो ये हमारे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से आपको ये मतलब कौन कौन से टाइप ऑफ इन्फ्रिंजमेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन का मतलब जो भी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं वो सारी हमारी पब्लिक डोमेन में आती है, हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और इसको अपने कंटेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पब्लिक डोमेन में चीज़ें आती हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होती हैं, जैसे कि कोहा सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है और उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। और यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, हाथी ट्रस्ट, लिब्रीवैक्स, कलेक्शन ऑफ ऑडियो बुक्स एक प्रकार का है जो कि पहला कलेक्शन ऑफ ऑडियो बुक्स कहलाता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है लिब्रीवैक्स का, और ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि पब्लिक डोमेन के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। हम बात करते हैं ऑर्फन वर्क क्या होते हैं। बेसिकली ऑर्फन वर्क वो वर्क होते हैं जिसमें कि जो कोई भी कंटेंट है या जो भी क्रिएटिविटी है या कोई भी लिटरेरी वर्क है या ऑडियो वीडियो कुछ भी इस तरह का कार्य है जो उस पर उसके ऑथर को लोकेट नहीं कर पाते या कॉपीराइट होल्डर को हम लोकेट नहीं कर पाते कि वो कौन है और वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड भी है। तो इस तरह के जो भी वर्क होते हैं वो हमारे ऑर्फन वर्क कहलाते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं जो पुराने कार्य हैं मतलब जितने भी कृतियां हैं, हमारे उपन्यास हैं या फिर हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, वो हमारा बेसिकली ऑर्फन वर्क कहलाते हैं, जिसमें कि कोई भी कॉपीराइट होल्डर नहीं होता, कॉपीराइट
प्रोटेक्टेड तो है वो आपका कंटेंट, बट उस पर कोई भी कॉपी राइट होल्डर एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, या फिर हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कबीर दोहावले की बात कर लें, तो कबीर दोहावली भी एक तरह से हम कहते हैं कि हमें पता है कि कबीर जी की दोहावली, बट उसका कोई मतलब उसका कोई पर्टिकुलर वो साक्ष्य नहीं कि हाँ ये इनका ही है, या वो उस पर कोई एट प्रेजेंट वो अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं ऑर्फन वर्क के, और लगभग इसमें 1,25,000 दोहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्फन वर्क कहलाते हैं, जिसमें कोई कॉपीराइट होल्डर को हम लोकेट नहीं कर पाते और वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हैं, तो वो हमारे ऑर्फन वर्क कहलाते हैं। और हम बात कर लें सर्कमवेंशन, तो सर्कमवेंशन बेसिकली एक टेक्निक होती है इन जनरल टर्म में कहें तो हम, और इसमें जो भी चीज़ें डिजिटली अवेलेबल है, इट मीन्स कि जो भी हमारे पास ऑडियो विजुअल ऑडियो वीडियो कंटेंट अवेलेबल है, या बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सॉफ्ट फॉर्म में, तो उन्हें हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम क्योंकि इसके कंटेंट को भी कोई ना कोई बना रहा होगा, कोई ना कोई उसका ऑथर होगा, तो इस तरह की चीज़ों को अनऑथराइज तरीके से जो कॉपी हो रही है, या मतलब उसका अनऑथराइज तरीके से यूज़ हो रहा है लीगली तरीके से, इसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप डिजिटल राइट मैनेजमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें जो डिजिटली अवेलेबल हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव कॉमन्स की। तो क्रिएटिव कॉमन्स क्या होते हैं? तो क्रिएटिव कॉमन्स बेसिकली अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इनेबल्स द शेयरिंग एंड यूज़ ऑफ क्रिएटिविटी एंड नॉलेज थ्रू फ्री लीगल टूल्स। इट मीन्स कि बेसिकली ये कई तरह के लीगल टूल को क्रिएट करती है, मतलब बनाती है, और जिसके थ्रू जो क्रिएटर होता है वो अपने कॉपीराइट मतलब अधिकारों का अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग करके जो भी उससे मतलब जो उसके रिसेपेंट होते हैं, यानी कि जो उसके यूज़ करने वाले होते हैं, उनको अधिकार देता है कि किस तरीके से आपको हमारे जो कंटेंट है उसको यूज़ करना है। तो अलग अलग तरह के आपके पास टूल्स हैं जो लीगल टूल्स कहलाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस डू नॉट रिप्लेस कॉपी राइट एंड कैन बी यूज ओनली वेन द लाइसेंसर ऑलरेडी हैज़ कॉपी राइट फॉर द वर्क। इट मीन्स क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉपी राइट को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये कॉपी राइट नहीं कहलाता है। बेसिकली ये एक तरह का राइट प्रोवाइड करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक लीगल टूल, जैसे कि शेयर अलाइक, क्रिएटिव कॉमन एंड आपके नॉन डेरिवेटिव वर्क, तो एक प्रकार के अलग अलग लाइसेंस देता है, अलग अलग टाइप की अथॉरिटी देता है, अलग प्रकार की लीगल टूल्स प्रोवाइड कराता है, जिससे कि जो कॉपीराइट होल्डर होता है वो अपने कंसेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से कितना यूज़ वो अपने बेनिफिशियरी को दे सकता है उसके बारे में वो अधिकार उस रिसिपिएंट को प्रोवाइड कराता है। तो आगे हम इसके टूल्स के बारे में, लीगल टूल्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि ये दिए हुए हैं यहाँ पे। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। CC यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स, इसमें जो भी क्रिएटिव कॉपीराइट होल्डर अपने रिसिपिएंट को प्रोवाइड कराता है वो हमारे CC लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं, और इसमें वर्क कैन बी यूज्ड बाय अदर बट ओनली इफ क्रेडिट इज गिवन। आप उसके कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं बट आपको उसे क्रेडिट देना होगा, यानी कि उसे एक्नॉलेज करना होगा। और दूसरे प्रकार का लाइसेंस होता है CC BY NC, यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स एंड साथ ही साथ NC, यानी कि नॉन कॉमर्शियली यूज़, यानी कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं बट आप इसका नॉन कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि इसे प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। CC BY ND, यानी कि नॉन डेरिवेटिव वर्क्स, इस पर्टिकुलर लाइसेंस में जो कॉपीराइट होल्डर होता है उसने अपने रिसिपिएंट को ये अधिकार दिया होता है कि आप उसकी कंसेंट के बिना उसके पर्टिकुलर कंटेंट से, या जो भी क्रिएटिविटी है या जो भी लिटरेरी वर्क है, उससे कोई भी डेरिवेटिव वर्क्स नहीं बना सकते। सपोज अगर कोई कोई उपन्यास है तो उसके परमिशन के बिना कोई भी आप उसके उस उपन्यास से या उस नॉवेल से कोई भी मूवी या कोई भी ड्रामा नहीं बना सकते। CC BY NC ऐसे, यानी कि यहाँ पे बात की गई है क्रिएटिव कॉमर्स बाय नॉन कॉमर्शियल एंड शेयर अलाइक। तो यहाँ पे मैं डिटेल में यहाँ बताती हूँ, बेसिकली ये डेरिवेटिव वर्क मे बी परमिटेड बट विद स्पेसिफिक प्रोविजन, यानी कि इसमें आप डेरिवेटिव वर्क्स बना सकते हैं बट उसकी स्पेशल परमिशन या स्पेसिफिक प्रोविजन के अंतर्गत वो चीज़ें मतलब बना सकते हैं, ठीक है। CC BY NC की बात करें तो बेसिकली ये एक प्रकार का लाइसेंस है, और इसे फुल फॉर्म होता है नॉन कॉमर्शियल एंड शेयर अलाइक, यानी कि
आप डेरिवेटिव वर्क में भी परमिटेड बट विथ स्पेसिफिक प्रोविजन, यानी कि आप डेरिवेटिव वर्क बना सकते हैं बट स्पेसिफिक प्रोविजन के अंतर्गत बना सकते हैं। और टू शेयर का मतलब होता है कि टू कॉपी डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रांसमिट द वर्क, यानी कि आप ट्रांसमिट भी कर सकते हैं वर्क को, शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। टू रिमिक्स का मतलब होता है कि आपने कोई भी जो भी वर्क को अडेप्ट किया है अंडर द फॉलोइंग कंडीशन एट्रीब्यूशन यू मस्ट गिव प्रॉफिट प्रॉपर क्रेडिट प्रोवाइड अ लिंक टू द लाइसेंस एंड इंडिकेट इफ चेंजेस वर मेड, यानी कि जो भी चीज़ें आपने रिमिक्स किया है कोई भी कंटेंट में तो वो भी आपको इंडिकेट करने होंगे और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर ऑथर को आपको उसको क्रेडिट देना होगा। शेयर अलाइक का मतलब होता है इफ़ यू रिमिक्स ट्रांसफॉर्म बिल्ड अपॉन द मटेरियल, यानी कि आपने कोई भी कंटेंट में रिमिक्स किया है या कुछ भी चेंजमेंट किया है तो या कोई भी ट्रांसफॉर्म और बिल्ड अपॉन द मटेरियल या कोई नया अपने उस पर्टिकुलर मटेरियल से कोई भी क्रिएट किया है चीज़ें तो मस्ट डिस्ट्रीब्यूट योर कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द सेम लाइसेंस, यानी कि जिस लाइसेंस के थ्रू आपने उस चीज़ को देखा है या परमिशन जो कॉपीराइट होल्डर का लाइसेंस है उसी पे ही आपको उसको मतलब शेयर करना होगा। तो ये बेसिकली एक तरह के डिफरेंट टाइप्स के लाइसेंस हैं जो कि कॉपीराइट होल्डर अपने रिसिपेंट को प्रोवाइड कराता है जिससे कि उसके रिसिपेंट उसी लाइसेंस के अंतर्गत जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं उनके अंदर ही उस कंटेंट को वो यूज़ करें। तो ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के बारे में था। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ IPR, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की भी कुछ हमें सीमा निर्धारित की गई है। और जैसे कि स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड के लिए ये चीज़ें वैलिड होती हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपीराइट के लिए अलग अलग वैलिडिटी पीरियड दे रखे हैं। तो कॉपीराइट की बात करें जो भी लिटरेरी वर्क होते हैं उनमें कॉपीराइट की लिमिट है 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। और अगर ये ज्वाइंट ऑथरशिप है, यानी कि मतलब कई लोगों ने मिलकर लिखा है किसी पर्टिकुलर कंटेंट को या लिटरेरी वर्क को, तो इसमें दो या तीन है, तो जो लास्ट ऑथर के डेथ के बाद 50 साल तक उस पर उसका अधिकार होता है, यानी कॉपीराइट अधिकार 50 लास्ट ऑथर के डेथ के बाद 50 साल तक, सॉरी वैलिडिटी ऑफ IPR। बेसिकली ये कॉपीराइट के वैलिडिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने फर्स्ट लाइन में डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसके कॉपीराइट होल्डर के उस कंटेंट पे उसके अधिकार होते हैं। तो कॉपीराइट बेसिकली बात करें तो लिटरेरी वर्क के अंतर्गत आते हैं और इनमें जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 60 ईयर होता है। और यही अगर ज्वाइंट लोगों मतलब काफ़ी लोगों ने मिलकर काम किया है इस पर्टिकुलर बुक पे, तो लास्ट ऑथर की डेथ के बाद आफ्टर 50 ईयर्स तक उस पर उसका अधिकार होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कॉपीराइट का अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क का। तो ट्रेडमार्क लाइफ लॉन्ग तक उसका अधिकार होता है, बट इसमें रिन्यूअल का प्रोसेस होता है कि आफ्टर 10 ईयर हर 10 साल बाद उसे आपको रिन्यू कराना पड़ता है। सेम पेटेंट का भी है कि 20 साल तक आपका अधिकार होता है, देन आपको 20 ईयर्स रिन्यूअल रिक्वायर्ड आफ्टर 20 ईयर्स, और आफ्टर 20 ईयर्स के बाद उसे आपको रिन्यू कराना पड़ता है, अदरवाइज वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में भी 15 ईयर्स का वैलिडिटी होती है, और साथ ही साथ इस तरह से आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर में भी लाइफ लॉन्ग होती है, बट इसमें भी आपको 10 साल के बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। और ये यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मतलब हॉबीज के बारे में है, कहाँ पे वो लोकेटेड हैं। जैसे कि पेटेंट की बात करें तो वो नागपुर में लोकेटेड है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस के बारे में दे रखा है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड की, जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड डेज के बारे में डिस्कस किया है, जो कि अक्सर मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में है कई बार पूछे जा चुकी है, और आने वाले दिनों में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886 इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो बर्न कन्वेंशन आपकी 1886 में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेड ऑफिस है। और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 में हुई थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ था, 14 जुलाई 1967 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कब आया था, 1998 में आया था। पेरिस कन्वेंशन कब आई थी, 1883 में हुई थी, और बेसिकली इट कवर्स इन्वेंशन पेटेंट ट्रेडमार्क एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, तो ये उसके क्षेत्र हैं कौन कौन से एरिया को वो कवर करती है। और इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था, 1970 में आया था। दिस वाज अगेन मॉडिफाइड इन 2005 से 2005 में दोबारा मॉडिफाइड किया गया था। और 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बाय द यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को
वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है और हर वर्ष इसकी अलग अलग थीम होती है, जैसे कि 2023 में इसकी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस थीम थी और इसकी 2022 में रीड सो यू नेवर फील लो, इसकी 2022 की थीम दे रखी है। और यहाँ पर एक और भी डेज के बारे में डिस्कस किया गया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि वो अलग डे है और ये अलग डे है, ठीक है। यहाँ पे 23 अप्रैल को सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और 26 को जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे होता है, जो कि प्रत्येक साल मनाया जाता है और ये 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस फॉर हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन इम्पैक्ट ऑफ डेली लाइफ, यानी कि किस तरह से हमारी डेली लाइफ पे ये सारी चीज़ें हमें इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसके लिए हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डेज हर वर्ष 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये डेज एंड कन्वेंशन के बारे में था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है एंड इसके टाइप्स क्या क्या है और इसके यूजेस क्या हैं, साथ ही साथ कॉपीराइट होल्डर के कौन कौन से अधिकार होते हैं, लीगल टूल्स के बारे में, क्रिएटिव कॉमर्स के बारे में हमने डिस्कस किया और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड डेज के बारे में डिस्कस किया। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एटलीस्ट आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।